तो घड़ा से जो कन्या निकली है उसी कन्या का नाम सीता रखा गया। बोलिए गोविंद भगवान की। आज छोटा सा कीर्तन बोलो सब लोग बड़े प्रेम से। जीव चंचल होती है। बच्चा छोटा होता है उसे बैठा लो नहीं बैठेगा। जवान लड़का तो भगवान ही जाने मालिक है। और बड़े बूढ़े बेरी दुखी है जिनकी जीव ज्यादा चलती है। और एक बात बताओ बुजुर्ग लोगों, अगर जिंदगी में सुख चाहो तो लड़का की शादी होने से पहले मढ़ैया तो जिंदगी में सुख है। और सोचो कि भाई बहू बिटिया बनी रही और भाई हम क्यों फिर लड़कों की ना चलती लड़का की भी नहीं चलती है। कहते हैं कि लड़की जो है वो पराई अमानत है और मैं कहता हूं कि लड़का भी पराई अमानत है। बेटी जो है वो दामाद की अमानत है और लड़का जो है ना वो बहू की अमानत है। बहू की अमानत है। और ये हमारा शरीर जो है ये शमशान की अमानत है। और जिसमें जो बोल रही है आत्मा वो परमात्मा की अमानत है। तो कभी घमंड मत करना। विचार हमेशा अगर जीवन में सुखी चाहते हो। एक दिन मेरे दिमाग में झटका लगा क्योंकि हम ससुराल जाने तो सास बड़ा प्रेम करती है। तो हमने सोचा कि कमाद की बड़ी सेवा होती है। ऐसो कहा है कमाद में। फिर हमने विचार करो कि अगर कोई काव की मुसीबत ले जाए तो फिर सेवा तो करनी पड़ेगी। तो हमने सोचा कि इसलिए कमाद की सेवा होती है कि बेटी जब तक घर में होती है तो माता पिता को बड़ी मुसीबत होती है। और उस मुसीबत में कमाद ले गया तो फिर तो सेवा ही सेवा करती है।